जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया तक पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया तत्पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत। वर्तमान इस काल में मोक्ष मार्ग बहुलोप, विचार ने आत्मार्थी को देशनात्र अगोप्य, देशनात्र अगोप्य। कोई क्रिया जड़ हो रहे शुष्क ज्ञान में कोई, मानते मोक्ष मार्ग देख करुणा उद्भव होई, करुणा उद्भव होई। जड़ क्रिया में तन्मय है भेद ज्ञान नव कोई, ज्ञान मार्ग निषेध कर क्रिया जड़ वह होई, क्रिया जड़ वह होई। बंध मोक्ष है कल्पना बोले वाणी माही, मोह जोश में आचरण शुष्क ज्ञानी वह भाई, शुष्क ज्ञानी वह भाई। वैराग्यादि सफल हो यदि सह आत्म ज्ञान, साथ ही आत्म ज्ञान की प्राप्ति है तु निदान, प्राप्ति है तु निदान। त्याग विराग न चेत में होए न उसको ज्ञान, हट के त्याग विराग में तो भूले निज भान, तो भूले निज भान। जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वहाँ पर वही समझ, वहाँ वहाँ सो सो आचरण आत्मार्थी वह जन, आत्मार्थी वह जन। सेवे सद्गुरु चरण को त्याग के अपना पक्ष, पाता वह परमार्थ को निज पद का ले लक्ष्य, निज पद का ले लक्ष्य। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरण उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण योग्य, सद्गुरु लक्षण योग्य। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार, ऐसा लक्ष्य हुए बिना उगे न आत्म विचार, उगे न आत्म विचार।
बिन सदगुरु उपदेश के समझ न आए जिन रूप, बिन समझे उपकार क्या समझत जिन स्वरूप, समझत जिन स्वरूप। आत्मा दीयस्ते त्व के है जो निरूपक शास्त्र, प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं तहां आधार सुपात्र, तहां आधार सुपात्र। अथवा सदगुरु ने कहे आश्रय योग्य जो काज, सो सो नित्य विचार ना कर्मतांतर त्याज, कर्मतांतर त्याज। रोके जीव स्वच्छंद तो पाए अवश्य मोक्ष, पाए ऐसे अनंत हैं भाषित जिन निर्दोष, भाषित जिन निर्दोष। प्रत्यक्ष सदगुरु योग से स्वच्छंद रुकता सोय, अन्य उपाय करण से अक्सर दुगुना होय, अक्सर दुगुना होय। स्वच्छंद मत आग्रह छोड़ वरते सद्गुरु लक्ष, समकित उसको कहा रे कारण जान प्रत्यक्ष, कारण जान प्रत्यक्ष। मानादिक शत्रु महा निज छंद से न नशाय, जाते सदगुरु शरण में अल्प प्रयास से जाए, अल्प प्रयास से जाए। जो सदगुरु उपदेश से पाया केवल ज्ञान, गुरु रहे छद्मस्थ पर विनय करे भगवान, विनय करे भगवान। मार्ग ऐसा विनय का भाषित श्री वीतराग, मूल है तो उस मार्ग का समझे कोई सुभाग्य, समझे कोई सुभाग्य। असद गुरु उस विनय का यदि ले लाभ कोई, महामोहनीय कर्म से डूबे भव जल रोई, डूबे भव जल रोई। जो है जीव मुमुक्षु वह समझे यह विचार, जो है जीव मतार्थी वह उलटा ले निर्धार, उलटा ले निर्धार। जो है मतार्थी उसको रे होय न आत्म लक्ष्य, उस मतार्थी के लक्षण को कहे यहाँ निष्पक्ष, कहे यहाँ
निष्पक्ष। बाह्य त्याग पर ज्ञान नहीं, वह गुरु माने सत्य अथवा निज कुल धर्म के, उन गुरु में ही ममात, उन गुरु में ही ममात। जो जिन देह प्रमाण को समवसरणादि सिद्धि, वर्णन समझे जिनका, रोक रखे निज बुद्धि, रोक रखे निज बुद्धि। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग में रहती दृष्टि विमुख, असद्गुरु को दृढ़ करे स्वमान कारण मुख्य, स्वमान कारण मुख्य। देवादि गति भेद में जो समझे श्रुत ज्ञान, माने निज मत वेश का आग्रह मुक्ति निदान, आग्रह मुक्ति निदान। समझ स्वरूप नहीं वृत्ति की, धारा वृत्त अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ को, पाने लौकिक मान, पाने लौकिक मान। अथवा निश्चय नय धरे मात्र शब्द से आत, सद्व्यवहार निषेध कर साधन रहित हो जात, साधन रहित हो जात। ज्ञान दशा पाई नहीं, साधन दशा न चंद, संगति उसकी जो करे डूबे भव समंद, डूबे भव समंद। वह भी जीव मतार्थ में निज माना देवश, पाता नहीं परमार्थ को अनधिकारी में बस, अनधिकारी में बस। नहीं कषाय उपशांतता, नहीं अंतर वैराग्य, सरल बनाना मध्यस्थता, वह मतार्थी दुर्भाग्य, वह मतार्थी दुर्भाग्य। लक्षण कहे मतार्थी के मतार्थ मुक्ति काज, अब कहूँ आत्मार्थी के आत्म अर्थ सुख साज, आत्म अर्थ सुख साज। आत्म ज्ञान सह मुनिपना वे सच्चे गुरु हो, बाकी कुल गुरु कल्पना, आत्मार्थी नहीं खोए, आत्मार्थी नहीं खोए। प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्ति का गिने परम उपकार, तीनों योग एकत्व से वर्ते आज्ञाधार,
करते आज्ञा धार। एक होय तीन काल में परमारथ का पंथ, प्रेरक उस परमार्थ का वह व्यवहार समन्त, वह व्यवहार समन्त। यों विचार कर अंतर में खोजे सद्गुरु योग, हेतु एक आत्मार्थ का दूजा नहीं मन रोग, दूजा नहीं मन रोग। कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भव खेद अर प्राणी दया तहां आत्मार्थ निवास, तहां आत्मार्थ निवास। जब तक ऐसी दशा न हो पाता नहीं जीव योग, मोक्ष मार्ग पाए नहीं मिटे न अंतर रोग, मिटे न अंतर रोग। आती जब ऐसी दशा सद्गुरु बोध सुहाय, सुबोध से सुविचारणा तहां प्रकटत सुखदाय, तहां प्रकटत सुखदाय। जब प्रकटत सुविचारणा तब प्रकटत निज ज्ञान, निज ज्ञान से मोह क्षय हो पाता पद निर्वाण, पाता पद निर्वाण। उपजे वह सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाए, गुरु शिष्य संवाद से षटपद यहाँ कहाय, षटपद यहाँ कहाय। आत्मा है वह नित्य है करता निज कर्म, है भोक्ता और मोक्ष है मोक्ष उपाय सुधर्म। षट स्थानक संक्षेप में षट दर्शन भी वे, समझाने परमार्थ को कहे ज्ञानी ने ये। दृष्टि में आता नहीं ज्ञात न होता रूप, अन्य भी अनुभव नहीं तात न जीव स्वरूप, तात न जीव स्वरूप। अथवा तन ही आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण, मिथ्या जुदा मानना नहीं जुदा निशान, नहीं जुदा निशान। अरे यदि हो आत्मा ज्ञात नहीं वह क्यों, यदि हो तो ज्ञात हो
घटपट आदि जो, घटपट आदि जो। इसलिए नहीं आत्मा मिथ्या मोक्ष उपाय, यह अंतर शंका हुई समझाओ सदुपाय, समझाओ सदुपाय। भाषा देहा ध्यास से आत्मा देह समान, पर वे दोनों भिन्न हैं प्रकट लक्षण जान, प्रकट लक्षण जान। भाषा देहा ध्यास से आत्मा देह समान, पर वे दोनों भिन्न हैं ज्यों असियर म्यान, ज्यों असियर म्यान। जो दृष्टा है दृष्टि का, जो है ज्ञाता रूप, अबाध्य अनुभव जो रहे वह है जीव स्वरूप, वह है जीव स्वरूप। है इंद्रिय प्रत्येक को निज निज विषय का ज्ञान, पांच इंद्रिय विषय का है आत्मा को भान, है आत्मा को भान। देह न जानता उन्हें, जाने न इंद्रिय प्राण, आत्मा के अस्तित्व से वे प्रवर्तित जान, वे प्रवर्तित जान। सर्व अवस्था में सदा न्यारा जाना जाए, प्रकट रूप चैतन्यमय यह लक्षण सदाय, यह लक्षण सदाय। घटपट आदि जानता अतः उसे तू मान, ज्ञाता को माने नहीं कहर कैसा ज्ञान, कहर कैसा ज्ञान। तीक्ष्ण बुद्धि कृष देह में मोटा देह मति कम, देह हो यदि आत्मा बने न इस तरह, बने न इस तरह। जड़ चेतन का भिन्न है केवल प्रकट स्वभाव, एक पना पावे नहीं तीनों काल द्वय भाव, तीनों काल द्वय भाव। आत्मा की शंका करे आत्मा स्वयं ही आप, शंका करता है वही विस्मय यह अमाप, विस्मय यह अमाप। आत्मा के अस्तित्व के आपने कहे प्रकार,
संभव उसका होत है अंतर करे विचार, अंतर करे विचार। दूसरी शंका हो वही आत्मा नहीं अविनाश, उपजत देह योग से देह वियोग से नाश, देह वियोग से नाश। अथवा वस्तु क्षणिक है प्रतिक्षण पलटती जाए, इस अनुभव से भी नहीं आत्मा नित्य समझाए, आत्मा नित्य समझाए। देह मात्र संयोग है फिर जड़ रूपी दृश्य, चेतन के जन्म मरण किसके अनुभव वश, किसके अनुभव वश। जिसके अनुभव में अरे वह जन्म मरण का ज्ञान, उससे भिन्न हुए बिना कैसे भी न हो भान, कैसे भी न हो भान। जो संयोग हम देखते वे सब अनुभव दृश्य, जन्म नहीं संयोग से आत्मा नित्य प्रत्यक्ष, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। जड़ से चेतन उपजे, चेतन से जड़ हो, अनुभव ऐसा किसी को कदापि नहीं हो, कदापि नहीं हो। कोई संयोगों से नहीं जिसकी उत्पत्ति बने, नाश न उसका किसी में, अतेव नित्य सदैव, अतेव नित्य सदैव। क्रोधादि तरतम्यता सर्पादिक के माही, पूर्व जन्म संस्कार वह जीव नित्यता भाई, जीव नित्यता भाई। आत्मा द्रव्य से नित्य है पलटती पर्याय, बालादि वय त्रय का ज्ञान हो एक जीव राय, ज्ञान हो एक जीव राय। अथवा ज्ञान क्षणिक का जान के जो कहनार, कहने वाला क्षणिक नहीं कर अनुभव निर्धार, कर अनुभव निर्धार। कभी किसी वस्तु का एकांत से नहीं नाश, चेतन पावे नाश तो मिले किस में जांच, मिले किस में जांच। करता जीव न कर्म का
कर्म ही करता कर्म अथवा सहज स्वभाव या कर्म जीव का धर्म कर्म जीव का धर्म आत्मा सदा असंग अर करे प्रकृति बंद अथवा ईश्वर प्रेरणा तात जीव अबंध तात जीव अबंध अतः मोक्ष उपाय का कोई न हेतु लखाय कर्म का कर्तापना या नहीं जाय या नहीं जाय होय न चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर्म जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा विचार कर लो धर्म विचार कर लो धर्म यदि चेतन करता नहीं होते तो कर्म अतः सहज स्वभाव नहीं साथ ही नहीं जीव धर्म साथ ही नहीं जीव धर्म एकांत से यदि असंग है तुझे न भासे क्यों असंग है परमार्थ से पर स्वानुभवी हो त्यों पर स्वानुभवी हो त्यों करता ईश्वर कोई नहीं ईश्वर शुद्ध स्वभाव अथवा प्रेरक माने तो ईश्वर दोष प्रभाव ईश्वर दोष प्रभाव चेतन यदि निज भान में करता आप स्वभाव वर्ते नहीं निज भान में करता कर्म प्रभाव करता कर्म प्रभाव जीव कर्म करता कहो पर भोक्ता नहीं हो क्या समझे जड़ कर्म जो फलदाता वह हो फलदाता वह हो फलदाता ईश्वर गिने भोक्तापना सिद्ध हो यों कहे ईश्वर का ईश्वर पना ही खोय ईश्वर पना ही खोय ईश्वर सिद्ध हुए बिना जगत नियम नहीं हो फिर शुभाशुभ कर्म के भोग्य स्थान नहीं कोय भोग्य स्थान नहीं कोय भाव कर्म निज कल्पना तात चेतन रूप जीव वीर्य की स्फुरणा ग्रहण करे जड़ धूप ग्रहण करे जड़ धूप
विषामृत समझे नहीं, जीव खाय फल पाय, त्यों शुभाशुभ कर्म का भोक्तापना लखाय, भोक्तापना लखाय। एक रंक अर एक नृप इत्यादिक जो भेद, कारण बिना न कार्य वे ही शुभाशुभ वेद, वे ही शुभाशुभ वेद। फलदाता ईश्वर बने इसमें नहीं जरूर, कर्म प्रकृति परिणमे होती भोग से दूर, होती भोग से दूर। उन सब भोग्य विशेष के स्थानक द्रव्य स्वभाव, गहन बात है शिष्य यह अति संक्षेप बताए, अति संक्षेप बताए। कर्ता भोक्ता जीव हो पर उसका नहीं मोक्ष, वीता काल अनंत पर वर्तमान में दोष, वर्तमान में दोष। शुभ कर्ता फल भोगता देवादि गति माही, अशुभ कर्ता नरकादि फल कर्म रहित ना काही, कर्म रहित ना काही। ज्यो शुभाशुभ कर्म पद जाने सफल प्रमाण, त्यों निवृत्ति सफलता इसलिए मोक्ष सुजान, इसलिए मोक्ष सुजान। काल अनंत वह बीता कर्म शुभाशुभ भाव, उन्हीं शुभाशुभ छेदन ते प्रकटे मोक्ष स्वभाव, प्रकटे मोक्ष स्वभाव। देहादिक संयोग का आत्यंतिक वियोग, सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग, निज अनंत सुख भोग। होय कदापि मोक्ष पद नहीं अविरोध उपाय, कर्म काल अनंत के कैसे छेदे जाए, कैसे छेदे जाए। अथवा मत दर्शन विविध कहे उपाय अनेक, ताम सत मत कौन सा नहीं हो वह विवेक, नहीं हो वह विवेक। किस जाति में मोक्ष है, किस वेश में मोक्ष, इसका निश्चय ना होवे बहुत भेद यह दोष,
बहुत भेद यह दोष, तातें ऐसा भासता मिले न मोक्ष उपाय। जीवादि को जान कर लाभ ही क्या हो जाए, लाभ ही क्या हो जाए। पांचों उत्तर से हुआ समाधान सर्वांग, समझू मोक्ष उपाय तो उदय उदय सद्भाग्य, उदय उदय सद्भाग्य। पांचों उत्तर की भई आत्मा माही प्रतीत, होगी मोक्षोपाय की सहज प्रतीत यह विधि, सहज प्रतीत यह विधि। कर्म भाव अज्ञान है, मोक्ष भाव निज वास, अंधकार अज्ञान सम नाशक ज्ञान प्रकाश, नाशक ज्ञान प्रकाश। जो जो कारण बंध के वे ही बंध के पंथ, तिन कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत, मोक्ष पंथ भव अंत। राग द्वेष अज्ञान ये मुख्य कर्म की ग्रंथ, जिससे रे छुटकारा होए वही मोक्ष का पंथ, वही मोक्ष का पंथ। आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहित, जिससे केवल प्राप्त हो मोक्ष पथ यह विधि, मोक्ष पथ यह विधि। कर्म अनंत प्रकार के मुख्यतः है आठ, ता मैं मुखिया मोहनीय सोहंतन कहूँ पाठ, सोहंतन कहूँ पाठ। कर्म मोहनीय भेद दो दर्शन चारित्र नाम, नाश बोध वीत रागता अचूक उपाय आम, अचूक उपाय आम। कर्म बंध क्रोधादि से क्षमादि कते नाश, प्रत्यक्ष अनुभव सर्व को है संशय किस बात, है संशय किस बात। छोड़ कर मत दर्शन का आग्रह सह विकल्प, साधते भाषित मार्ग यह जन्म उसी के अल्प, जन्म उसी के अल्प। षट पद के षट प्रश्न रे पूछे कर विचार, उन पद की सर्वांगता
मोक्ष मार्ग निर्धार, मोक्ष मार्ग निर्धार। जाति वेश का भेद नहीं, कहा मार्ग जो होई, साधे वह मुक्ति ग्रहे, उसमें भेद न कोई, उसमें भेद न कोई। कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भव खेद अर अंतर दया कहते उसे जिज्ञास, कहते उसे जिज्ञास। उस जिज्ञासु जीव को होवे सद्गुरु बोध, तो पावे समकित को वरते अंतर खोज, वरते अंतर खोज। मत दर्शन आग्रह तज वरते सद्गुरु लक्ष, पावे शुद्ध समकित को जिसमें भेद न पक्ष, जिसमें भेद न पक्ष। वरते निज स्वभाव का अनुभव लक्ष्य प्रतीत, वृत्ति बहे निज भाव में परमार्थ से समकित, परमार्थ से समकित। वर्धमान समकित हो टाले मिथ्या भास, उदय हो चारित्र का वीतराग पदवास, वीतराग पदवास। केवल निज स्वभाव का अखंड वरते ज्ञान, कहते केवल ज्ञान वह देह सहित निर्वाण, देह सहित निर्वाण। कोटि वर्ष का स्वप्न भी जागृत हो छूट जाए, त्यों विभाव अनादि का ज्ञान हो नश जाए, ज्ञान हो नश जाए। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, ताको तू नहीं भोगता यही धर्म का मर्म, यही धर्म का मर्म। इसी धर्म से मोक्ष है, तू है मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्यावाद स्वरूप, अव्यावाद स्वरूप। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, हर अधिक कितना कहे कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम। निश्चय सब ही ज्ञानी का अत्र आय समाही,
यों कह कर धरी मौनता, सहज समाधि माही, सहज समाधि माही। सद्गुरु के उपदेश से आया पूर्व भान, निज पद निज माही मिला, दूर भया अज्ञान, दूर भया अज्ञान। भाषा निज स्वरूप वह शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशी अर देहातीत स्वरूप, देहातीत स्वरूप। कर्ता भोक्ता कर्म का विभाव वर्त जहां, वृत्ति बही निज भाव में हुआ अकर्ता तहां, हुआ अकर्ता तहां। अथवा निज परिणाम जो शुद्ध चेतना रूप, कर्ता भोक्ता उस ही का निर्विकल्प स्वरूप, निर्विकल्प स्वरूप। मोक्ष कहा निज शुद्धता पाए जिससे वह पंथ, समझाया संक्षेप में सकल मार्ग निर्ग्रंथ, सकल मार्ग निर्ग्रंथ। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। क्या प्रभु चरणों में रखूं आत्मा से सब हीन, वह तो प्रभु ने ही दिया, रहूं चरण आधीन, रहूं चरण आधीन। यह देहादि आज से वर्तो प्रभु आधीन, दास दास मैं दास हूँ आप प्रभु का दीन, आप प्रभु का दीन। षट स्थानक समझा कर भिन्न बताया आप, म्यान से तलवार सम यह उपकार अमाप, यह उपकार अमाप। षट दर्शन समाविष्ट है इन षट स्थानक माही, कर विचार विस्तार से रहे न संशय काई, रहे न संशय काई। आत्म भ्रांति समरोग नहीं,
सदगुरु वैद्य सुजान। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान, औषध विचार ध्यान। यदि चाहते परमार्थ को करो सत्य पुरुषार्थ, भव स्थिति आदि नाम ले छेदो नहीं आत्मार्थ, छेदो नहीं आत्मार्थ। निश्चय वाणी श्रवण कर साधन छोड़ न को, निश्चय रख कर लक्ष्य में साधन करने सोय, साधन करने सोय। नय निश्चय एकांत से यहाँ नहीं कहे, एकांत से व्यवहार नहीं दोनों साथ रहे, दोनों साथ रहे। गच्छ मत की जो कल्पना वह नहीं सद व्यवहार, ज्ञान नहीं निज रूप का वह निश्चय नहीं सार, वह निश्चय नहीं सार। पूर्वे ज्ञानी हो गए वर्तमान में होई, होंगे काल भविष्य में मार्ग भेद नहीं कोई, मार्ग भेद नहीं कोई। सर्व जीव है सिद्ध सम, जो समझे वह हो ही। सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण माही, निमित्त कारण माही। उपादान का नाम ले वह जो तजे निमित्त, पावे नहीं सिद्धत्व को रहे भ्रांति में स्थित, रहे भ्रांति में स्थित। मुख से ज्ञान कहे अरु अंतर छूटा न मोह, वह पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी का द्रोह, मात्र ज्ञानी का द्रोह। दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग्य, होय मुमुक्षु घट विषे वे सदैव सुजाग्य, वे सदैव सुजाग्य। मोह भाव क्षय होय जहां अथवा होय प्रशांत, ताहि कहे ज्ञानी दशा बाकी कहते भ्रांत, बाकी कहते भ्रांत। सकल जगत झूठन वत अथवा स्वप्न समान, ताहि कहे ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान, बाकी वाचा ज्ञान।
नानक पांच विचार कर छठवे पर जो होई पावे स्थानक पांचवा तामे न संशय कोई तामे न संशय कोई। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित।